हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम और टैली ERP-9 इसी की सीरीज चल रही है, तो इसमें हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और मल्टीपल लेजर्स बनाना सीखेंगे। कल हमने बनाया था कि मल्टीपल स्टॉक आइटम हम किस तरह से क्रिएट कर रहे थे वो हमने देखा था, लेकिन मल्टीपल लेजर्स के बारे में क्या ख्याल है आइए देखते हैं। तो यहां से सबसे पहले टैली ERP-9 को ओपन करता हूं। ये टैली ERP-9 का एजुकेशनल वर्जन है। अगर हम बात करें एजुकेशनल वर्जन की, तो जिस भी महीने में 31 तारीख आती है वो डेट इसमें सपोर्ट करता है, और एक तारीख में काम कर सकते हैं, दो तारीख में काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई डेट आप चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यही पेड वर्जन खरीदेंगे, यानी टैली पेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जब आप खरीदेंगे, तो एक साल के लिए आपको टाइमिंग दी जाती है, उसमें कोई भी डेट आप चेंज कर पाते हैं। चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं मल्टीपल लेजर्स की। तो यहां पर अकाउंट इन्फो दिख रहा है, बस आपको इसी अकाउंट इन्फो पर क्लिक कर देना है। ये टैली ERP-9 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां पर दिया हुआ है लेजर्स, तो लेजर्स पे चले जाइए। यहां पर L हाईलाइटेड है, तो L प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही L प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि लेजर्स वाली विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। अगर आपको सिंगल लेजर बनाना है, मतलब एक बार में एक ही लेजर बनाना चाहते हैं, तो यहां से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक बार में एक लेजर बनाना है, तो एक क्रेडिटर पार्टी का मैं लेजर बना के दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है सी, सी जो है रेड कलर में हाईलाइट है, तो यहां से आप सी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और सी प्रेस कर दिया, मैं यहां पर एक नाम लिख लेता हूं, लाइक सूरज, ये लिख लिया हमने, और यहां पर लिख देता हूं सी यानी क्रेडिटर। तो एंटर प्रेस किया, यहां पर ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन होती है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रेडिटर पार्टी है, तो क्रेडिटर पार्टी किस ग्रुप में आएगी? सन्ड्री क्रेडिटर में। तो यहां पर हम केवल एस प्रेस करेंगे, तो एस वाले सारे ग्रुप हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए ब्लू कलर में हाईलाइट हो गए हैं। अब हमारा ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर है, तो यहां से आप नेविगेशन की प्रेस कीजिए, एंटर एक बार और प्रेस कीजिए, एक बार और करिए, एक बार और करिए, ये आ गए सन्ड्री क्रेडिटर पर, एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट, काम हो गया आपका। ये बन गया एक लेजर, यानी सिंगल लेजर हमने बनाया। किस नाम से बनाया? सूरज के नाम से। तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर बन गया। तो ये सिंगल लेजर बनाने का तरीका है। मल्टीपल लेजर्स कैसे बनेगा? यहां पे देखिए नीचे मल्टीपल लेजर्स का भी ऑप्शन है। ऊपर क्या हाईलाइट हो रहा था? सी हाईलाइट हो रहा था, लेकिन नीचे आएंगे तो सेम वही चीज है, लेकिन आर हाईलाइट हो रहा है, यानी मल्टीपल लेजर्स के लिए आर। तो यहां पे आर प्रेस किया हमने, और यहां पर आपको बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इस बार हम बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए किसी बैंक अकाउंट का लेजर बनाना है आपको, तो यहां बैंक अकाउंट कर दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए बैंक अकाउंट में हम SBI का लेजर बना रहे हैं, तो ये लिख दिया मैंने SBI, कुछ इस तरीके से SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंटर प्रेस किया, ये जाएगा बैंक अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस देना चाहते हैं तो दे दीजिए, लाइक मान लीजिए कि 3000 से हम ये खाता खोले हुए हैं, तो ये 3000 यहां पे दे दिया, एंटर प्रेस कर दिया। तो एक हमने SBI का लेजर क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से हम PNB का लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये PNB का लेजर हो गया, ये भी अंडर बैंक अकाउंट में जाएगा, इसमें भी 2000 रुपए डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीपल लेजर बना रहे हैं। देखिए ना, बैंक अकाउंट से संबंधित कई सारे लेजर्स एक ही बार में बन रहे हैं। देखिए अब यहां पर मान लीजिए मैं कर देता हूं बैंक ऑफ इंडिया, तो ये लिख दिया मैंने बैंक ऑफ और फिर लिखता हूं इंडिया, तो ये हो गया बैंक ऑफ इंडिया, और ये तीसरा लेजर बन गया हमारा बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें 1000 रुपए बैलेंस हम डाल देते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इसी तरीके से एक बार में तीन लेजर बनाया, मल्टीपल लेजर, समझ में आ रहा है। एंटर प्रेस किया। अब यहां पर आए, अब मान लीजिए कोई और मल्टीपल लेजर बनाना हो, जैसे क्रेडिटर पार्टी का एक ही बनाया है ना हमने, तो यहां पर ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक सन्ड्री क्रेडिटर कर लीजिए, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर आ गया, ठीक है। क्रेडिटर पार्टी का ग्रुप हमने यहाँ पे चूज कर लिया है, लेजर्स हम बनाएंगे वो सन्ड्री क्रेडिटर का ही होगा। यहाँ पे नाम दे देते हैं, लाइक यहाँ पर मैं दे देता हूं कुंदन, तो ये एक हमारी क्रेडिटर पार्टी है, यहाँ पे सी लिख देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं रखेंगे। फिर यहां पर आते हैं, दूसरा हम कर लेते हैं राजू, ठीक है, ये भी हमारी क्रेडिटर पार्टी है, तो यहाँ सी लिख लेते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये दो सन्ड्री क्रेडिटर बना लिया, एक ही साथ दो बना लिया, जबकि आपने सिंगल लेजर में देखा कि किस तरीके से हम एक बार में एक ही लेजर बना पा रहे थे, ठीक है। यहां पर कर देता हूं मुकेश, तो ये तीसरा जो सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का लेजर है वो मैं बना दे रहा हूं मुकेश के नाम से। तो ये देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये लेजर हमने क्रिएट किए हैं, और जब आपको इसका यूज करना होगा तो आसानी के साथ यूज भी कर पाएंगे, इट्स वेरी इजी टू यूज, ओके। तो यूज करना होगा तो कहां जाएंगे? वी प्रेस करके वाउचर में जाएंगे, और यहां पर आप जानते हैं कि परचेज वाउचर में जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं? F9, तो आप F9 प्रेस कर सकते हैं परचेज वाउचर में जाने के लिए, ये आ गए परचेज वाउचर में, ठीक है। और यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालिए, यहां पर हम आइटम इनवॉइस मोड में है,
यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग, और यहां पर देखिए जो हमने लेजर बनाया था, देखिए बैंक ऑफ इंडिया का लेजर गलत हो गया है, तो गलत हो गया तो अभी क्या करना है आपको, इसको सही करना है, उसके बाद हम एंट्री पास करेंगे। तो सही करने के लिए कहां जाएंगे, ये ERP 9 है तो अल्टर में जाना होगा, तो अल्टर कैसे आएगा, तो अकाउंट में जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे कि लेजर्स यहां पे दिखाई पड़ रहा है और यहां नीचे दिखाई पड़ रहा है अल्टर, तो आप मल्टीपल को अल्टर करना चाहते हैं या किसको अल्टर करना चाहते हैं, तो हमें मल्टीपल लेजर्स को ही अल्टर करना है। तो यहां पे आ गए, बैंक अकाउंट में आए, आप देख सकते हैं कि जो लेजर्स आपने बनाए थे वो सारे शो हो रहे हैं और बैंक ऑफ इंडिया में डबल ए हो गया है, तो इसको सही करना है, तो BANK बैंक ऑफ इंडिया ये हमें करना है, तो बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, अब ये बिल्कुल सही हो गया है, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। अब जब यूज करेंगे आप परचेस अकाउंट में इसकी एंट्री पास करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसानी के साथ होता चला जाएगा, एंटर प्रेस किया, यहां पर देखिए बैंक ऑफ इंडिया, अब ये सही हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लेजर्स को अल्टर कर सकते हैं, लेजर्स बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में, टैली ERP 9 में, किसमें, ERP 9 में। इसी तरीके से देखिए कुंदन सी करके बनाया था, मुकेश सी करके बनाया था, PNB बनाया था, राजू बनाया था, सूरज क्रेडिटर बनाया था, ठीक है, और ये सूरज सी करके बनाया था, सूरज क्रेडिटर पहले से बना हुआ है, ठीक है, आई होप की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहां से बाहर आ जाते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं किस पर, ERP 9 को छोड़कर के आ जाते हैं प्राइम पर, तो प्राइम में मल्टीपल लेजर्स कहां से बनेगा, तो क्रिएट पर जाकर के हम लेजर्स बनाते हैं, तो क्रिएट पे गए और यहां पर आप देखेंगे कि लेजर दिया हुआ है, तो लेजर पे चले जाइए, लेकिन यहां पर लेजर पे जाने पे प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्टली लेजर क्रिएशन वाले विंडो आ जा रही है, हमें एक बार में एक लेजर नहीं बनाना, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर आप किसी डेटर या क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाते हैं, लाइक यहां पे कर देता हूं, लाइक सपोज कीजिए ये लिख दिया मैंने गौरव कुमार, ठीक है, और ये जो है एक डेटर पार्टी है, तो ये डी कर दिया मैंने, और ये कौन से ग्रुप में जाएगा, सन्ड्री डेटर, तो यहां से सन्ड्री डेटर आप चूज कर लीजिए, बस सन्ड्री डेटर चूज किया, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये एक्सेप्ट भी हमने करा लिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो लेकिन ये एक बार में एक ही तो लेजर बना, एक से ज्यादा कहां हुआ, एक ही लेजर बना, आपको लगता होगा कि यहां पर अदर मास्टर में जाने पे शायद हो जाए F10 प्रेस करके, तो अदर मास्टर में जाएंगे तो भी यहां मल्टीपल का ऑप्शन नहीं शो करेगा, देखिए इसमें मल्टीपल का ऑप्शन शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करना होगा, शायद मोर डिटेल में जाने पे हो जाए, तो मोर डिटेल पे भी जाके देख लीजिए, यहां पर भी आपको मल्टीपल लेजर्स का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, देख सकते हैं आप, ठीक है, देखिए इसमें मल्टीपल लेजर्स नहीं आ रहा है, तो करेंगे क्या, कहां से मल्टीपल लेजर बनाएंगे, टैली ERP 9 में तो बड़ा आसान था लेकिन प्राइम में तो नहीं दिख रहा है, तो प्राइम में जाने के लिए आपको कहां जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के लिए क्या शॉर्टकट की है, H, केवल H प्रेस करना है, आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारा काम। लेकिन यहां पर जैसे ही चार्ट ऑफ अकाउंट पे हम आएंगे, देखिए ये चार्ट ऑफ अकाउंट पे ही हम है, तो यहां पर सो इनएक्टिव आपको दिखाई पड़ेगा, तो सो इनएक्टिव पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, आपको क्या बनाना है, लेजर्स बनाना है ना, तो ये लेजर्स पे क्लिक करिए, जैसे ही लेजर पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये लेजर कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। अब यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा मल्टी मास्टर, तो यहां पे चले चलिए, तो यहां पे देख सकते हैं कि लेजर मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए मल्टी क्रिएट आ रहा है, तो मल्टी क्रिएट पे चले जाइए, अब यहां पर वही विंडो आपको दिखने लगेगी जो कि आपको टैली ERP 9 में दिख रही थी, तो ये यहां से आएगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो छोटा सा मैंने क्रिएट किया था, लेकिन फिर भी यहां पर समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए अब आपको सन्ड्री डेटर्स पार्टियों का लेजर बनाना है, तो यहां पे एस प्रेस कीजिए, देखिए सन्ड्री डेटर कहां है यहां पे, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब सन्ड्री डेटर का लेजर आप जो भी बनाएंगे वो बनाएंगे, लाइक यहां पर कर देता हूं हिना कंस्ट्रक्शन, ये एक सन्ड्री डेटर पार्टी है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये कर दिया हमने और ये सन्ड्री डेटर पार्टी है हमारी, ठीक है, एंटर प्रेस किया, यहां पर करता हूं लाइक अविनाश, ठीक है, और ये भी हमारी सन्ड्री डेटर पार्टी है, एंटरप्रेस कर दिया, सन्ड्री डेटर में चला गया ये, फिर एंटरप्रेस किया, फिर यहां पे आते हैं, फिर एक और बना लेते हैं सूरज, और ये डी कर देता हूं, यानी सन्ड्री डेटर पार्टी है, ठीक है, फिर यहां पर आते हैं, फिर यहां पे करते हैं विकास, ठीक है, डी कर देते हैं, यानी सन्ड्री डेटर पार्टी है, डी इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आए, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं इसको, कोई जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है, बस इसी तरीके से करके आप लेजर्स बना सकते हैं, और एंटरप्रेस कीजिएगा, एंटरप्रेस कीजिएगा, ये हो गया काम आपका। अब ये लेजर्स बन गए हैं, तो जैसे परचेज जो किया होगा उसका सेल जब आप करेंगे, तो चूंकि डेटर्स पार्टियों का लेजर हमने क्रिएट किया, देखिए ये अविनाश डी आपको दिख रहा है, गौरव डी है यहाँ पे, तो जो भी हमने बनाया है विकास डी भी बनाया था, और ये सूरज डी करके बनाया था, तो ये सारे लेजर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये वो तरीका है जिससे आप लेजर्स
मल्टीपल लेजर्स बना सकते हैं, ठीक है। दोनों ही में मैंने बताया कि आप ERP-9 यूज करते थे तो क्या करते थे और यहां पर टैली प्राइम में क्या करते हैं, तो दोनों ही का पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आपका। और यहां पर F8 प्रेस कर लेता हूं, यहां पे सेल्स वाउचर आपको दिख रहा है। अब मान लीजिए अविनाश डी का लेजर लगा दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और ये डिटेल चाहे तो आप फिल कर सकते हैं, फिलहाल इसको स्किप करता हूं। और यहां पे सेल्स अकाउंट का लेजर लगा लीजिए, बाकी जो भी स्टॉक आइटम आपके पास मौजूद है उसको सेल करिए ना, क्या दिक्कत है। 1000 आइटम हम सेल कर रहे हैं कीबोर्ड के, 780 रुपए का एक, एंटर प्रेस किया यहां पर आए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कौन सा दूसरा स्टॉक आइटम है, मक्का। मेज बने होता है मक्का, तो मक्का ले लिया, तो 50 किलो मक्का है तो 40 किलो बेच दिया जाए, 40 किलो बेच रहे हैं तो 1 किलो की कीमत हम रखेंगे 60 रुपए, ठीक है, 60 रुपए के हिसाब से बेच दिया। फिर यहां पे आते हैं, देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास, शुगर है तो शुगर ले लेते हैं, तो ये शुगर जो है ये वाला शुगर सही है, ER कर दिया गया था उसमें, तो ये हो गया। तो यहां पे मान लीजिए 30 किलो चीनी ले लेते हैं, चीनी क्या है 44 रुपए रेट है, तो ये कर लिया हमने, ठीक है। बाकी अगर आपने GST एक्टिवेट नहीं किया तो GST लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पर फिलहाल एक्टिवेट कर रखा है तो CGST लगा दिया, तो देखिए GST कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। और फिर यहां पे SGST कर देंगे तो ये देखिए SGST भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जब भी सेम स्टेट का मामला होगा तो CGST SGST दोनों ही आप लगाएंगे, और अगर अदर स्टेट का मामला होगा तो क्या लगाएंगे, IGST लगाएंगे। CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, थैंक यू।